रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम उत्तर प्रदेश में हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है। चाहे उनके निजी तालाब में मगरमच्छों के आगे दुश्मनों को डालने के आरोप को लेकर हो या फिर उनकी मायावती से दुश्मनी को लेकर, लेकिन इस बार कुंडा के दबंग नेता अपने पारिवारिक रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। एक रसूखदार और शक्तिशाली परिवार के राजा भैया की निजी जिंदगी आजकल न्यूज चैनल्स में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजा भैया की पत्नी ने कई संगीन आरोप अपने पति यानी राजा भैया पर लगाए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि राजा भैया का कोलकाता के किसी टीवी रिपोर्टर से अफेयर है। अब सवाल ये उठता है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह, जो खुद एक राजघराने और राजशाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं, क्यों शादी के 28 साल बाद दोनों के रिश्ते में इतनी दूरियां आ गई। इन दूरियों का आलम यह है कि राजा भैया ने नवंबर 2022 में साकेत कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दिया। बताते हैं आपको पूरी कहानी स्टोरी बाबा के इस एपिसोड में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें बहुत मदद मिलती है। इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू से पूरी कहानी को समझते हैं। भानवी और राजा भैया की शादी साल 1995 में हुई थी। इन दोनों के 4 बच्चे हैं। इधर राजनीतिक करियर में राजा भैया चुनाव पर चुनाव हर बार जीत रहे थे, दूसरी तरफ पारिवारिक लाइफ भानवी सिंह के साथ बढ़िया चल रही थी। एक तरफ तो राजा भैया के वर्चस्व के बारे में सब जानते हैं, दूसरी तरफ भानवी भी राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। भानवी का जन्म 10 जुलाई 1974 में बस्ती राजघराने में हुआ था। उनके पिता बस्ती राजा के छोटे बेटे कुंवर रवि प्रताप सिंह है। रवि प्रताप सिंह की 4 बेटियां हैं, इनमें भानवी तीसरे नंबर की बेटी है। भानवी की शुरुआती पढ़ाई बस्ती से हुई, बाद में उन्होंने लखनऊ से आगे की पढ़ाई की थी। भानवी सिंह और राजा भैया के बीच में जो भी मतभेद थे वो पहले 4 दीवारी के अंदर थे, लेकिन आपको बता दें राजा भैया ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए 2022 में याचिका दायर की थी। उन्होंने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने ससुराल का घर छोड़ दिया है और वापस आने से इनकार कर रही है। जब राजा भैया ने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया, उसके बाद ये मामला पब्लिक डोमेन में आया। एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह और राजा भाई के करीबी दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था। पैसों को लेकर इन दोनों बिजनेस पार्टनर्स में कुछ मतभेद हुए थे, जिनके चलते राजा भैया और भानवी सिंह के रिश्तों में भी खटास आनी शुरू हो गई। राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक लेने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की हुई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। हालांकि अब इस मामले में उनकी पत्नी भानवी सिंह ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। कोर्ट में भानवी सिंह ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि वह राजा भैया की प्रताड़ना के चलते ही उनसे अलग रह रही हैं। उन्होंने जवाब में राजा भैया पर हाथापाई का आरोप भी लगाया है। भानवी ने अपने जवाब में राजा भैया द्वारा तलाक के लिए लगाए आरोपों को भी नकार दिया है। भानवी ने कहा है कि केवल तलाक के लिए राजा भैया ने झूठे आरोप लगाए हैं और वे तलाक का विरोध कर रही हैं। आज तक से बातचीत करते हुए भानवी सिंह ने कहा कि पति राजा भैया ने एक महिला पत्रकार से अफेयर की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, वापस ससुराल आने भी नहीं दिया। कैमरे पर कुछ बोलने से मना करते हुए उन्होंने कहा, वे मेरे पति और बच्चों के पिता हैं, मैं तलाक नहीं देना चाहती, मैं कभी तलाक नहीं दूंगी, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूं। उधर भानवी ने दावा किया है कि उन्हें परेशान किया जाता है, अगर भानवी सिंह विरोध करती हैं तो राजा भैया हाथापाई पर उतर आते हैं। भानवी सिंह के अदालत में दिए दस्तावेजों के मुताबिक 23 अप्रैल 2015 को राजा भैया ने इस कदर मारपीट की थी कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। भानवी सिंह ने इस घटना से संबंधित रिपोर्ट और फोटोज भी कोर्ट को सौंपी है। भानवी के मुताबिक राजा भैया के कई अवैध संबंध हैं। भानवी सिंह के मुताबिक उन्होंने राजा भैया और उनकी प्रेमिका के कुछ फोटोज भी मोबाइल में देखे हैं। भानवी सिंह के मुताबिक उनके पास राजा भैया के और उस रिपोर्टर के संबंधों के कई सबूत हैं। इधर अब पूरे मामले में एक नया एंगल सामने आया है, जब भानवी सिंह की बहन ने इस पूरे मामले में एंट्री मारी है। राजा भैया की साली और भानवी सिंह की बहन साध्वी सिंह का कहना है कि भानवी सिंह और उनके बीच पैतृक जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर भानवी सिंह ने अपनी माँ के साथ भी कई बार मारपीट की है। किन आरोपों में कितना सच है, ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा।